हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो थ्योरीज ऑफ नॉलेज के ऊपर होने वाला है यानी कि ज्ञान के सिद्धांत ठीक है ये जो वीडियो है ये जो कंटे ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फोर्थ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के ऊपर का है ठीक है से लिया गया है ठीक है तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर sure आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं जैसे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो अगर आपको कहीं ना कहीं पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो यहाँ पे हम देखेंगे ज्ञान के सिद्धांत को कि आखिर ज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं बेसिकली जितने तो इसमें जो फर्स्ट है वो है अनुभववाद अनुभववादी सिद्धांत सेकंड है बुद्धिवाद का सिद्धांत थर्ड है विवेकपूर्ण सिद्धांत फोर्थ है इसमें समीक्षावाद का सिद्धांत फिफ्थ है योग सिद्धांत और जो लास्ट है इसमें प्रायोगिक सिद्धांत ठीक है तो ये छह सिद्धांत है टोटल इनको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में फर्स्ट जो है अनुभववादी सिद्धांत है ठीक है इसके मतलब जिस चीज को अनुभव करने के बाद आप प्राप्त करते हो ऐसा नॉलेज वो कहलाता है आपका अनुभववादी सिद्धांत ठीक है जॉन लॉक के अनुसार ये दिया गया है इस सिद्धांत ये जो थ्योरी है ये जॉन लॉक के अनुसार दी गई है इसके अनुसार अनुभव ज्ञान की जननी है ज्ञान जन्म जाता नहीं है परंतु अर्पित है ठीक है मतलब जन्म जात नहीं मिलता है ज्ञान किसी को ठीक है ऐसा नहीं है कि कोई कोई जो बच्चा है वो बचपन से ही सबको जानता है उसे अर्जित करना पड़ता है ठीक है सभी ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अनुभव को समुचे ज्ञान का स्रोत माना जाता है जिस भी तरीके से आप अनुभव करते रहोगे किसी भी कार्य का आप अनुभव करोगे उसी हिसाब से आप नॉलेज को ग्रहण करते रहोगे तो इस तरीके का जो सिद्धांत है इस तरीके का जो सिद्धांत है उसका जो नाम है वो है अनुभववादी सिद्धांत यह मन के अंदर जन्म से पूर्व ही निहित नहीं होता है इसलिए समस्त ज्ञान का अंतिम उद्गम स्थल अनुभव है ठीक है मतलब कोई भी ज्ञान है उसका अंतिम उद्गम स्थल मतलब कहाँ से वो चीज निकल के आएगी वो अनुभव द्वारा ही निकल के आएगी सेकेंड जो थ्योरी है वो है बुद्धिवाद का सिद्धांत जो कि सुकरात व प्लेटो द्वारा दिया गया है कि बुद्धिवादियों के अनुसार केवल बुद्धि के द्वारा ही निश्चित एवं सार्वभौम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ठीक है ये बुद्धिवादियों के अनुसार है कि बुद्धि के द्वारा ही निश्चित ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम प्रमाण है बुद्धि हमें जन्म से मिलती है और उसी से हम समस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं ठीक है तो ये बुद्धिवादियों के अनुसार है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बुद्धि है वही अंतिम प्रमाण है ज्ञान प्राप्ति का थर्ड है इसमें संवेद विवेक पूर्ण सिद्धांत अरस्तु के अनुसार ये थ्योरी दी गई है इसके अनुसार क्या है मानव के पास विचारों तथ्यों सिद्धांतों का विस्तृत स्वरूप होता है तो यहाँ पे एक और है ठीक है कांत के अनुसार भी यहाँ पे दिया बोला गया है कि अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं उन उसके अनुसार हम अनुभव के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य आरंभ कर सकते हैं परंतु अनुभव स्वयं के ज्ञान प्रदान नहीं करते ठीक है मतलब यहाँ पे जो ये बताया गया है कांत के अनुसार बताया गया है और जो अरस्तु के अनुसार है वो है कि मानव के पास विचार तथ्य सिद्धांतों का एक विस्तृत स्वरूप होता है जिनका इस्तेमाल करके वो नॉलेज को ग्रहण कर सकता है या फिर पा सकता है नेक्स्ट जो है थ्योरी वो है प्रायोगिक सिद्धांत ठीक है यह सिद्धांत ज्ञान के व तार्किक में से संबंध रखता है प्रयोजनवाद जीवन का सिद्धांत है जो प्राय प्रयोगों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांत को स्वयं में समेटे हुए है ठीक है तो प्रायोगिक ज्ञान मतलब किसी भी चीज का प्रयोग करके जब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हो उसके बाद जो आपको नॉलेज ज्ञात होता है या आप जो भी नॉलेज फाइंड आउट करते हो वो उस तरीके का ज्ञान जो होता है वो हमारा प्रायोगिक ज्ञान होता है और थ्योरी क्या कहलाएगी प्रायोगिक सिद्धांत या थ्योरी कहलाएगी तो ये भी है और तारे दोनों के ही मेल से ये चीज ग्रहण की जाती है इस सिद्धांत के अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है प्रयोग या अनुभव ठीक है कोई भी नॉलेज को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा या फिर आपको उस चीज का अनुभव होना चाहिए ये प्रायोगिक सिद्धांत कहता है इस विधि के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति नए नए अनुभव प्राप्त करता है वैसे वैसे उसके पूर्व अर्जित ज्ञान में निखार और सुधार आता रहता है ठीक है कोई चीज उसे पता है किसी पर्सन को कोई चीज पता है उसने फिर से कुछ ना कुछ करा उसमें आगे सोच विचार करा कोई नया प्रयोग किया तो उसे कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज नया नॉलेज प्राप्त हुआ तो इस तरीके से उसने जो भी पूर्व अर्जित उसका ज्ञान था उसमें निखार भी आया और उसमें सुधार भी आया ठीक है हो सकता है उसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई नई नॉलेज उसे प्राप्त हुई तो इसीलिए बोला गया है कि प्रायोगिक सिद्धांत में कि, कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग और और अनुभव दोनों आवश्यक है ठीक है नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर योग सिद्धांत ठीक है यानी कि ये जो है पतंजलि द्वारा दिया गया है मुख्य प्रतिनिधि पतंजलि के अनुसार मस्तिष्क की मुख्य विशेषता है कि वह व्यघ्र है वह इसके साथ साथ इसमें अज्ञानता भी है जो हाँ सभी शारीरिक व मानसिक विचलनों की जड़ है योग का मुख्य उद्देश्य उस मानसिक चंचलता को नियंत्रित करना है तथा मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित करना है और सभी बुराइयों बुराइयों को जड़ से खत्म करना है ठीक है तो योग सिद्धांत है क्योंकि ये पतंजलि द्वारा दिया गया है तो इसमें ये नाम से ही पता चल जाएगा कि इन्होंने योग की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया है ठीक है उन्होंने बोला है कि जो बुद्धि होती है या फिर जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या है अज्ञान है ठीक है वो व्यग्र है उसको केंद्रित करने के लिए योग बहुत ही आवश्यक है इसीलिए ये थ्योरी जो है वो क्या है योग सिद्धांत के नाम से जानी जाती है और जो लास्ट है इसमें वो है समीक्षा का सिद्धांत समीक्षावाद का सिद्धांत किसी भी दार्शनिक प्रणाली प्रम, को ना तो बुद्धिमान मानता है और ना ही अनुभववादी मानता है समीक्षावाद के सिद्धांत के अनुसार बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों ही समस्या प्रणालियां हैं समीक्षावाद का सिद्धांत किसी भी तरह की घटना के ऊपर समीक्षा पर बल देता है अर्थात उसको परखने पर है ठीक है मतलब बेसिकली ये जो है दार्शनिक प्रणाली को भी बुद्धिमान नहीं मानता है और ना ही अनुभववाद को बुद्धिमान मानता है ठीक है इनका कहना है कि क्या है ये दोनों ही प्रणालियां क्या है सही नहीं है समीक्षावाद के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों ही समस्या प्रणालियां हैं ठीक है थीके? मतलब इन दोनों से ही क्या होती है समस्याएं पैदा होती है तो ये है समीक्षा का सिद्धांत या फिर समीक्षावाद का सिद्धांत तो आई होप गाइज कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहे